अजीत साकेत जी, आप ये बताइए जो यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर है ना, वो अस्पताल में बैठते हैं आपके? बैठते हैं हफ्ते में एक बार, ऐसे पोलियो पियाने जैसे। हफ्ते में एक दिन पोलियो का जब कैंप लगता है तब आते हैं। संतलाल जी, आप ये बताएं कि यहाँ डॉक्टर और एनम नर्स वगैरह आती हैं आप यहाँ से, जो अस्पताल बना हुआ है? नहीं आती है। नहीं आती है? नहीं आती। तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग कहाँ जाते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है? तो हम लोग प्राइवेट जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं? जो एनम वगैरह है, नर्स वगैरह, कोई नहीं आता? तो गांव के लोग विरोध नहीं करते हैं? अरे विरोध कहाँ पर, कहा था हमारे दो तीन जगह डिप्टी लगी है, सब रहे थे पर कुछ बोलते नहीं है। हफ्ते में महज एक दिन खुलता है चुनरी उप स्वास्थ्य केंद्र, गांव वाले स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मामला रीवा जिले के त्योथा तहसील के ग्राम पंचायत चुनरी से जुड़ा हुआ है, जहां महज हफ्ते में एक ही दिन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। वहीं गांव वालों का कहना है कि जब जब टीकाकरण होता है तब तक कार्यरत कर्मचारी आते हैं, अन्यथा यह चुनरी उप स्वास्थ्य केंद्र सदैव बंद ही रहता है। साथ ही साथ गांव वालों ने बताया कि प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह कभी कभार ही स्वास्थ्य केंद्र पर बैठते हैं, अन्यथा वह उप स्वास्थ्य केंद्र में आते ही नहीं। वीडियो के माध्यम से गांव वालों ने बताया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रीवा एवं खंड चिकित्सा अधिकारी का ध्यान न जाने कब इस केंद्र पर जाएगा, जबकि यह केंद्र तहसील परिसर के बगल में ही संचालित हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि SDM महोदय का ध्यान इस उप स्वास्थ्य केंद्र की तरफ कब जाएगा और कब गांव वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का जो सरकार का उद्देश्य है वह पूरी तरीके से पूर्ण हो पाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलने के कारण गांव वाले स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर आशीष पाटकर की एक खास रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। जो एनम वगैरह हैं, नर्स वगैरह, कोई नहीं आता? तो गांव के लोग विरोध नहीं करते हैं? अरे विरोध कहाँ पर, कहा था हमारे दो तीन जगह डिप्टी लगी है, सब रहे थे पर कुछ बोलते नहीं है। अच्छा, इसलिए कोई नहीं बोलता है? सरपंच जी से आपने कभी नहीं कहा? सरपंच से तो नहीं, कबो नहीं कहा कि यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। डॉक्टर से जो है बोल, सरपंच से बहने बोला डॉक्टर ही नहीं होते। मैं चुनरी ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये जो है आरोग्य धाम चुनरी जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है। मैं दादा से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर बैठते हैं या ये हॉस्पिटल नहीं खुलता है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये चाहेंगे तो नहीं खुलता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतलाल। संतलाल जी, आप ये बताएं कि यहाँ डॉक्टर और एनम नर्स वगैरह आती हैं आप यहाँ से, जो अस्पताल बना हुआ है? नहीं आती है। नहीं आती है? नहीं आती। तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग कहाँ जाते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है? तो हम लोग प्राइवेट जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं? आपका क्या नाम है बेटू? मेरा नाम अजीत। अजीत सिंह। क्या? अजीत साकेत। अजीत साकेत जी, आप ये बताइए जो यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर है ना, वो अस्पताल में बैठते हैं आपके? बैठते हैं हफ्ते में एक बार, ऐसे पोलियो पियाने जैसे। हफ्ते में एक दिन पोलियो का जब कैंप लगता है तब आते हैं? आपका नाम क्या दादा? रामकिशोर सिंह। ये बताइए जो आरोग्य धाम सेंटर बना हुआ है आप यहाँ, यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर एनम और जो भी स्टाफ है आता है कभी? नहीं सर। हैं? आपने देखा है उनको? नहीं, हम कभी नहीं देखा है। कभी नहीं? आते हैं तो बंद रहता है। आते हैं तो बंद रहता है। तो फिर आप लोग दवा के लिए कहाँ जाते हैं? देवथर। आपने कभी शिकायत किया इन लोगों की? कभी नहीं। कभी नहीं किया? दादा क्या नाम है आपका? हमारा राम प्रसाद। राम प्रसाद। दादा आप ये बताइए कि जो आपके पीछे जो ये अस्पताल बना हुआ है चुनरी का, यहाँ डॉक्टर आते हैं कभी कभार कि नहीं आते? आते हैं पर तीसरे चौथे दिन। तीसरे चौथे दिन डेली नहीं खुलता है? कितने लोग बैठते हैं यहाँ पे? यहाँ 4 बजे तक आपस में रहा था, फिर 4 बजे भर रहा था। हाँ, तो कई लोग बैठते हैं यहाँ पे? डॉक्टर भर आते हैं, तेज भर आते हैं। डॉक्टर कई दिन बाद आता है यहाँ? दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन। तीसरे चौथे दिन आता है? और